तो अभी तक के लिए बेबी फॉर्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए एक विकल्प के तौर पर बेचा जाता था जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। लेकिन 1970 के दशक में कंपनी की शुरुआत के लगभग 100 साल बाद कंपनी की बिक्री धीमी होती दिख रही थी और अब नेस्ले लालची होने लगी थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सभी माओं को यह बेबी फॉर्मूला बेचें, ना कि सिर्फ जरूरतमंद मदर्स को। आप देखें, नेस्ले द्वारा लॉन्च किए गए सभी प्रोडक्ट्स में से बेबी फॉर्मूला अभी भी नेस्ले के लिए सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला प्रोडक्ट था, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अधिक था। अब अगर वे सभी मदर्स को अपना बेबी फॉर्मूला बेचना शुरू कर दें तो आप सोचो कि नेस्ले कितना अधिक पैसा कमा सकते थे। तो अब नेस्ले ने शुरू किया ब्रेस्ट मिल्क को कमजोर करने का कैंपेन, जिसमें वे आक्रामक रूप से अपने बेबी फॉर्मूला को सुपीरियर बताकर एडवर्टाइज करने लगे। नेस्ले अपने फॉर्मूले पर मदर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए फर्जी एडवर्टाइजमेंट करने लगी और उनको यह बताने लगी कि उनका बेबी फॉर्मूला उनके बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से भी बेहतर है, जबकि हकीकत में स्टडीज इसके अपोजिट थी और नेस्ले का बेबी फॉर्मूला नेचुरल मदर्स मिल्क से बहुत ज्यादा इन्फीरियर था, क्योंकि इसमें ऐसे कई पोषक तत्वों की कमी थी जो बच्चों की ग्रोथ और बीमारी से लड़ने में मदद करते थे और उन्हें स्वस्थ रखते थे। अपने बेबी फॉर्मूला पर मदर्स का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए नेस्ले ने डॉक्टरों और अस्पतालों को अपना फॉर्मूला बेचने के लिए ब्राइब करना शुरू कर दिया और डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को यह कहा गया कि सभी मदर्स को यह बोला जाए कि यह नेस्ले का बेबी फॉर्मूला बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से भी बेहतर है। इसके बाद नेस्ले ने अफ्रीका और एशिया में अपने कदम आगे बढ़ाए, जहां नेस्ले ने लड़कियों को सेल्स वुमेन के तौर पर रखा। यह सेल्स वुमेन नर्सों की तरह कपड़े पहनकर मदर्स को इस बात के लिए बनाती थी कि वे ब्रेस्ट फीडिंग छोड़कर उनके बेबी फॉर्मूले का यूज करें। इन सेल्स वुमेन्स को कमीशन पर भुगतान किया जाता था, जिसका अर्थ है कि वे जितना अधिक फॉर्मूला बेचती थी उतना ही अधिक पैसा उनको मिलता था, जिससे वह लोग फॉर्मूले को बहुत एग्रेसिव तरीके से बेचने के लिए मोटिवेटेड रहती थी। और वैसा ही हुआ। असली नर्सों के रूप में घूमने वाली ये सेल्स वुमेन हॉस्पिटल के नर्सिंग वार्ड्स में घूम घूम कर मदर्स को ये बेबी फूड बेचने लगी। इसके अलावा बेबी फूड को बेचने के लिए यह सेल्स वुमेन इन मदर्स के घर तक भी पहुंच जाती थी। हालात बहुत खराब तब हो जाते थे जब नेस्ले की ये फर्जी नर्सें नई मां बनी मदर्स को भी बेबी फॉर्मूले के फ्री सैंपल देने लगी, लेकिन उन्हें केवल इतने सैंपल्स दिए जाते थे कि जब तक सैंपल्स खत्म होते इन मदर्स के शरीर में नेचुरल रूप से दूध बनना बंद हो जाता था और इस तरह उन मदर्स के लिए अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए बेबी फॉर्मूले को खरीदने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता था। यह स्ट्रेटेजी नेस्ले के लिए बहुत ही सफल और प्रॉफिटेबल साबित हुई और इसलिए उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को कई और कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां मेजरली बहुत सारी फीमेल्स पढ़ी लिखी नहीं होती कि वह जान पाए कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है। खासकर जब कोई नर्स आपको बताए कि आपके बच्चे को बेबी फूड की जरूरत है तो अक्सर मदर्स विश्वास कर ही लेती हैं। यह अनुमान है कि इसकी वजह से लाखों बच्चे मर गए या फिर उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की सीवियर कमी हो गई। इसका सबसे बुरा असर तीसरी दुनिया के देशों में पड़ा, जहां साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चों को देने के लिए नेस्ले के बेबी फॉर्मूला को सबसे पहले पानी में मिलाना पड़ता था। लेकिन फिर भी नेस्ले लोगों को आश्वस्त कर रहा था कि उन्हें अपने बच्चों के लिए बेबी फॉर्मूले को यूज करने की आवश्यकता है उन जगहों पर भी जहां साफ पानी नहीं था, इसलिए यह फॉर्मूला उस पानी में मिलाया जा रहा था जो पॉल्यूटेड और कॉन्टेमिनेटेड था। इस प्रकार बच्चे और बीमार हो जाते थे। यह मामला और भी बदतर तब हो गया जब इनमें से कई मदर्स के लिए इस महंगे बेबी फॉर्मूले को खरीदना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनके बच्चे इस बेबी फॉर्मूला पर डिपेंडेंट हो गए तो इन मदर्स ने बेबी फॉर्मूले को पतला करके बच्चों को देना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें उसी गंदे पानी का और ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे बच्चे और भी बीमार और कमजोर होने लगे। बेबी फूड की पैकेजिंग पर दिए गए निर्देश अंग्रेजी में थे, जिसे इन देशों की अधिकांश मदर्स पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि इसे इतना पतला करके
वे अपने बच्चों को ही भूखा मार रहे थे। इसका मतलब यह भी था कि बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं था कि उन्हें पहले पानी उबालने की जरूरत है ताकि उनके बच्चों को बीमार करने वाले बैक्टीरिया को रोका जा सके। कुछ समय तक नेस्ले ने इस बारे में कुछ नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दब गया है। लेकिन फिर 1974 में एक पब्लिकेशन ने द बेबी किलर टाइटल का एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उसने नेस्ले पर विशेष रूप से गंभीर आरोप लगाए कि इन देशों में एग्रेसिवली बेबी फॉर्मूले को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन लोगों को भी जबरदस्ती बेचा जा रहा है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है, और ये भी कहा कि नेस्ले अपने बेबी फॉर्मूला के लिए ऐसी आवश्यकता जबरदस्ती पैदा करने पर लगा है जो पहले मौजूद नहीं थी। फिर लोगों को कन्विंस किया जाने लगा कि बेबी फॉर्मूला उनकी जरूरत है, बिना यह सोचे समझे कि इसके रिजल्ट बहुत घातक होने वाले थे। जब स्विस कैंपेनर्स द्वारा इस आर्टिकल का जर्मन में ट्रांसलेशन किया गया तो इसका टाइटल बहुत ब्लंट बना, नेस्ले किल्स बेबीज, जिसके कारण नेस्ले ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, इस सारी कवरेज ने इसे नेस्ले के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल बना दिया था और कई देशों में लोगों ने नेस्ले को बायकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कंपनी इस मुद्दे पर चुप रही, हालांकि वे इससे भाग नहीं सके। 1978 में नेस्ले के एग्जीक्यूटिव्स को अमेरिकी सीनेट के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया। नेस्ले के बेबी फॉर्मूले का बीमार और मरते हुए बच्चों से क्या लेना देना है, इसके लिए उनसे पूछताछ करी गई और इसके तुरंत बाद WHO द्वारा नए नियम पेश किए गए। उन्होंने कहा कि कंपनियां अपने एड्स में ब्रेस्ट मिल्क की तुलना बेबी मिल्क फॉर्मूले से नहीं कर सकती। हालांकि इससे वेल रेगुलेटेड देशों में तो मदद मिली, लेकिन अधिकांश अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज में इन नियमों और कानूनों को इतनी अच्छी तरीके से लागू नहीं किया गया। इसके बाद अब नेस्ले ने इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी मार्केटिंग को दुगना कर दिया और वह भी कम प्रतिबंधों के साथ, और इसी तरह उनकी बिक्री बढ़ती जा रही। इसी बीच अमेरिका जैसी जगहों पर जहां बिक्री रुकी हुई थी, नेस्ले ने अपनी नेगेटिव इमेज को बदलने और ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ावा देने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ही विचित्र विज्ञापनों का यूज करके, यह सब नेस्ले ने मीडिया की नेगेटिव अटेंशन से दूर रहने के लिए किया, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि वे पूरी तरीके से बदल गए हों। इसके बावजूद सच तो यह था कि वे अभी भी बहुत से देशों में अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए वही एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे, जहां वे अभी भी कानून से बच सकते थे। यहां तक कि हाल ही में 2018 में सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि नेस्ले द्वारा यूज की जाने वाली एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स की वजह से अभी भी सैकड़ों बच्चों को खतरे में डाला जा रहा था। मुझे कहते हुए बहुत खेद है कि जब नेस्ले के काले अतीत की बात आती है तो यह सब तो बस थोड़ी सी चीजें हैं और उनके काले कारनामे तो अभी और भी बाकी हैं। साल 2005 में नेस्ले के सीईओ ने ऐसा कहा कि पानी तक पहुंच होना हर इंसान का बुनियादी अधिकार नहीं है। इसके बाद मीडिया में जब उसकी बहुत आलोचना हुई तो बाद में वह अपने शब्दों से पीछे हट गया। लेकिन यह देखने के लिए कि वह वास्तव में कैसा महसूस करता है, हम बस देख सकते हैं तो नेस्ले की हरकतें। जब पानी की बात आती है, एग्जाम्पल के लिए 2013 में पाकिस्तान में नेस्ले ने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को कस्बों और गांवों से अपने कारखानों में भेजना शुरू कर दिया, फिर इसी पानी को बोतल बंद करके वापस उन्हीं लोगों को बेच दिया जिनसे उन्होंने पानी लिया था, लेकिन एक बहुत अधिक कीमत पर। बड़ा मुद्दा यह है कि नेस्ले ने इतना पानी उठाया था कि हजारों लोग मजबूर हो गए गंदा कीचड़ वाला पानी पीने के लिए, क्योंकि ये लोग महंगा बोतल बंद पानी नहीं खरीद सकते थे। नेस्ले की रणनीति मिलनी यही थी, लोगों को साफ पानी जैसी आवश्यकता से वंचित करना और फिर उन्हें एक महंगा पानी बेचना। जब से नेस्ले इस देश में आई, ऐसे दावे हैं कि उन्होंने पानी खींच खींच कर जमीन को सूखा कर दिया और इस कारण पानी का स्तर सैकड़ों फीट नीचे चला गया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही ऐसा किया हो जहाँ जल स्तर पहले से बहुत ऊंचा है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में जब कैलिफोर्निया सूखे से पीड़ित था तो कई कंपनियों ने अपने ऑपरेशन ऑफिसेस को कैलिफोर्निया से बाहर शिफ्ट कर दिया, लेकिन नेस्ले ने ऐसा नहीं किया। इस बीच में पानी की गंभीर कमी होने पर भी
नेस्ले वाटर्स ने रोज 705 मिलियन गैलन ताजा पानी कैलिफोर्निया के नेशनल गार्डन से पंप आउट करना जारी रखा और फिर इसे दोबारा कैलिफोर्निया के लोगों को ही महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और जब नेस्ले से इस बारे में पूछा गया तो नेस्ले वाटर्स के सीईओ ने कहा कि अगर वह सूखे के दौरान ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कैलिफोर्निया के अधिक पानी को भी बोतल बंद कर सकता है तो वह वही करेगा। इस तरह कोइजिन और मिशिगन में भी यह बताया गया कि नेस्ले राज्य के भंडारों से हर मिनट 747 लीटर ताजा पानी निकाल रहा है और नेस्ले मिशिगन का 130 मिलियन गैलन पानी लेने के लिए सिर्फ $200 का भुगतान करता है। नेस्ले के कारण राज्य के जल स्तर में भारी कमी होने के बाद एट लास्ट एक जज ने नेस्ले को इसे रोकने का आदेश दिया क्योंकि इससे इकोलॉजिकल नुकसान हो रहा था। हकीकत तो यह है कि नेस्ले के पास दुनिया का सबसे बड़ा बोतल बंद पानी का कारोबार है और वह बोतल बंद पानी के 50 से अधिक ब्रांडों का मालिक है। तो नेस्ले ने अब ऐसी जगहों और देशों को टारगेट करना शुरू किया जहां नेचुरल पानी कम था, जहां वह मौजूदा साफ पानी को खरीद कर वहां शॉर्टेज पैदा करके जिससे साफ पानी की खूब डिमांड बढ़े और फिर नेस्ले उन्हें अपना महंगा बोतल बंद पानी बेचकर खूब प्रॉफिट कमाए। आपने मैड मैक्स फ्यूरी मूवी तो देखी होगी, आपको वह आदमी याद होगा जो सारा पानी जमा कर रहा था और यह बात नेस्ले की सोच से अलग नहीं है। लेकिन शायद नेस्ले को काफी प्रेरणा मिली होगी एक पुराने ब्रिटिश शो से ओनली फूल एंड हॉर्सेस, जिसके एक एपिसोड में कुछ लोग बोतल बंद पानी बेचने का सोचते हैं यह दावा करते हुए कि यह नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, जबकि वास्तव में वह सीधे ही नॉर्मल नल का पानी था। अब यह शो तो एक कॉमेडी था लेकिन नेस्ले ने असल में यही किया। नेस्ले ने बिल्कुल ऐसे ही सिंपल नल के पानी को सप्लाई किया और बोला कि यह फ्रेश झरने का पानी है और फिर इस $1 के पानी को $1,000 प्रति टैंक के रेट से बेचा। जब आप चॉकलेट खाते हैं तो नेचुरली आपके दिमाग में यह बात आती होगी कि यह चॉकलेट कैसे बनी होगी, लेकिन क्रूर सच्चाई यह है कि नेस्ले को उन खेतों में जहां चॉकलेट को बनाने के लिए कोको बीन्स की कटाई की जाती है वहां फोर्स्ड चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी का उपयोग करते हुए पाया गया, जिससे लागत कम और प्रॉफिट अधिक हो और छोटे देशों में इस सस्ती एक्सप्लॉयटेटिव लेबर पर अधिकतर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन फिर साल 2000 में एक रिपोर्ट सामने आई, इसमें कहा गया कि नेस्ले ब्लड चॉकलेट्स खरीदने का दोषी था और नेस्ले को पूरी तरीके से पता था कि स्लेव चाइल्ड्स उनके कोका के खेतों में काम कर रहे हैं। अब ये बात दूसरी बड़ी चॉकलेट कंपनीज के लिए भी सच थी। तो वर्ष 2000 में कई बड़ी चॉकलेट कंपनियों जैसे नेस्ले, कैडबरी, मार्स सभी ने वादा किया कि 2005 तक वे अपनी चॉकलेट्स को स्लेव फ्री कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समय आगे बढ़ता गया और यह कंपनीज अपनी चॉकलेट्स को स्लेव फ्री बनाने की अपनी डेडलाइंस को मिस करती रही, अपने द्वारा ही निर्धारित सभी समय सीमाएं चूकती रही। इनफैक्ट 2005 में इंटरनेशनल लेबर राइट फंड ने नेस्ले और अन्य चॉकलेट मेकिंग कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दायर किया और 3 मिलियन बच्चों की ओर से आरोप लगाए कि नेस्ले और इन कंपनीज द्वारा इन बच्चों को तस्करी करके आइवरी कोस्ट ले जाया गया और चॉकलेट के खेतों में गुलामी के लिए मजबूर किया गया और इन्हें बार बार वहां पीटा भी जाता था। नेस्ले की प्रतिक्रिया इस तरह की घटनाओं पर हमेशा एक जैसी होती थी। उन्होंने कहा कि इन कोको के खेतों में होने वाली हर चीज पर नजर रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वह स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर कुछ और साल बीत गए और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदला था। 2010 में द डार्क साइड ऑफ चॉकलेट नामक एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसने लोगों का ध्यान मीडिया पर खींचा कि कैसे बच्चों को उनके घरों और परिवारों से चुराया जा रहा था और इन कोको के खेतों में जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। फिर 2020 में एक जांच से पता चला कि 8 साल से छोटे बच्चों को भी पकड़ पकड़ कर नेस्ले के सप्लायर्स में से एक के खेतों में काम करवाया जा रहा था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि बच्चे सप्ताह में 7 दिन काम करते थे, वे अपने वजन से दुगने वजन की बोरियां ले जाते थे और उनके काम के लिए लगभग बस $1 प्रति घंटा भुगतान किया जाता था। हालांकि एक बार फिर नेस्ले ने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने इसे ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन यह सोचने की बात है कि क्या नेस्ले दशकों से इन लेबर प्रॉब्लम्स के बारे में जानती थी और अपने अरबों डॉलर के साथ यदि वे वास्तव में चाहते तो वे निश्चित रूप से इस समस्या को हल कर सकते थे। इसका एक और एग्जाम्पल है
जो उसके साथ इथियोपिया में हुआ। जब 2002 में दुनिया में सबसे गरीब देशों में से एक इथियोपिया सरकार से नेस्ले 6 करोड़ डॉलर की मांग करती है। यह कॉन्फ्लिक्ट 1970 के दशक का था, जब उस समय की इथियोपिया की आर्मी गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज की सारी संपत्ति जब्त कर ली थी और उनके एसेट्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। और फिर इसके कई साल बाद उन कंपनियों में से एक जिसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी उसे नेस्ले द्वारा खरीद लिया गया। अब वह मुआवजे की मांग करने लगे। अब याद रखें, यह एक व्यवसाय था जिसे 27 साल पहले एक अलग सरकार ने नेशनलाइज किया था और जो उस समय नेस्ले के पास भी नहीं था। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि जिस समय वे 6 मिलियन डॉलर की मांग कर रहे थे, इथियोपिया भीषण अकाल का सामना कर रहा था और 15 मिलियन लोगों की जान को खतरा हो गया था। अब यह 6 मिलियन डॉलर लाखों इथियोपिया वासियों को साफ पानी मुहैया कराने में मदद कर सकता था। ये वाकई लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकता था। और इस फैक्ट के बावजूद कि नेस्ले ने उसी साल 65 बिलियन डॉलर्स की बिक्री करी थी, नेस्ले ने शुरू में इथियोपिया को छूट देने से इनकार कर दिया और लगातार पैसों की मांग करता रहा। भले ही नेस्ले के लिए 6 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत की बात है और हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हालांकि जैसे ही एक बार यह कहानी मीडिया में आई और लोगों ने नेस्ले का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और धमकी देना शुरू कर दिया, उन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया और इसके बजाय 1.5 मिलियन डॉलर में ही कर्ज का सेटलमेंट कर दिया और इसे देश की अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश करने की कसम खाई। लेकिन यह बहुत साफ होता है कि यदि लोग कंपनी का बॉयकॉट नहीं करते और कंपनी की इमेज की बात नहीं होती तो नेस्ले का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। और अगर आपने सोचा कि नेस्ले के विवाद यहीं खत्म हो गए तो फिर से सोचो। 2012 में कंपटीशन ब्यूरो ने प्राइस फिक्सिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेस्ले के ऑफिसेज में छापा मारा था, यह दावा करते हुए कि नेस्ले अन्य चॉकलेट कंपनियों के साथ सौदा कर रही है ताकि उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें समान रूप से ऊंची रखी जाए और कस्टमर से ज्यादा पैसे वसूले जाए। लेकिन नेस्ले ने यहाँ भी किसी मिलीभगत से इनकार कर दिया। लेकिन बात यह है कि इन सभी घोटालों में शामिल रही नेस्ले के प्रोडक्ट्स का कई लोगों ने बहिष्कार करने की कोशिश करी, लेकिन कंपनी इतनी विशाल है और वे इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि उनको किसी छोटे मोटे बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ वे लगभग हर देश में पहुंच गए हैं। जब आप कोई खाने की चीजें या पानी खरीदते हैं या यहाँ तक कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो आपको इसका एहसास भी नहीं होता कि आप नेस्ले के किसी ब्रांड की खरीदारी कर रहे हो। और यही वजह है कि इतने विवादों के बावजूद क्यों नेस्ले विकास करती गई और ज्यादा कंपनीज को खरीदकर और भी पावरफुल होती गई। मसला ये है कि जब हेनरी नेस्ले ने कंपनी की स्थापना की वह एक बहुत ही वास्तविक समस्या का समाधान कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे नेस्ले का व्यवसाय बढ़ता गया उसके बिजनेस मॉडल ने बाद में समस्याएं पैदा करना शुरू कर दी ताकि वे आपको समाधान बेच सके। बिल्कुल, जब आप 1000 साल पुराने हो जाते हैं और आपके पास इतने सारे ब्रांड होते हैं तो घोटालों से बचना मुमकिन नहीं है। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज सरकारी मिलीभगत के द्वारा देशों के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट लूट कर ही इतनी बड़ी बड़ी बनी है। इसके कई उदाहरण हमारे देश में भी हैं। अब आप देखो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं और मुझे कमेंट में उनके नाम बताओ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।